नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मणिपुर की हिंसा पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां विपक्ष मणिपुर की हिंसा के मुद्दे पर सरकार पर हमलावर है, तो वहीं अब अपने ही सवाल उठाते दिखाई दे रहे हैं बीजेपी की सहयोगी पार्टी एनपीएफ यानी कि नागा पीपल्स फ्रंट के सांसद लोरहो फोजे ने एबीपी न्यूज से बातचीत में एक बड़ा बयान दिया। लोरहो फोजे ने कहा कि वो संसद में मणिपुर के मुद्दे पर बोलना चाहते थे, मुद्दा उठाना चाहते थे, लेकिन उन्हें संसद में बोलने का मौका नहीं दिया गया, इस बात का उन्हें दुख है। इसके साथ ही सांसद लोरहो फोजे ने मणिपुर में राहुल गांधी के दौरे को लेकर उनकी तारीफ की, साथ ही बड़ा बयान दिया, दावा किया कि मणिपुर में डेमोग्राफी बदल चुकी है और अगले 4 साल तक मणिपुर में शांति नहीं होगी। हालांकि लोरहो फोजे ने विकास को लेकर बीजेपी सरकार की तारीफ जरूर की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा है। पूरे संसद सत्र में इस बात की चर्चा रही कि मणिपुर के दोनों सांसद कहाँ हैं, और विपक्ष की तरफ से ये आरोप भी लगाया गया कि मणिपुर के दोनों सांसद मणिपुर की हिंसा को लेकर मौन क्यों हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है बाहरी मणिपुर से सांसद लोरहो फोजे, एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। सर, सबसे पहले तो मैं स्वागत करूंगी आपका। थैंक यू वेरी मच। आप संसद सत्र में थे? शुरू से थे। राहुल गांधी ने जो स्पीच दिया आपने सुना होगा, जाहिर से बात सुना है, ऐसा लगा आपको? वो तो पर्सनल एक्सपीरियंस है, फील्ड में जाके अपना ये बहुत एक्सपीरियंस मिला है और मणिपुर में अभी है, पर्सनल टच जरूरी है। या सो राहुल गांधी, यस, उसका आने में जाने में थोड़ा मुश्किल मिला था, लेकिन अप्रिसिएशन इस वो जाके आदमी को और वो मिल के आया है, ये बहुत अच्छा है। मणिपुर के मुद्दे पर आपने कुछ भी नहीं कहा संसद में, आपको क्या लगता है कि आप अलायंस में हैं बीजेपी के साथ, इस वजह से आप चुप रहे? आप कहना चाहते थे संसद? कहने का बहुत चाहता था। मणिपुर का सवाल में गृह मंत्री ने बोला है मैं अलायंस में है, और इसलिए अपना दिल से ऐसे बोलने का सरकारी ने नहीं चाहते। आप बोलना चाहते थे? आप बोलना चाहते हैं, अब बहुत ज़रूरी था मैं बोलने का, लेकिन थोड़ा इमोशनल भी होता है और थोड़ा वहाँ का कैसे पब्लिक ने फील होता है वो बोलना ही पड़ेगा, और इसमें थोड़ा समटाइम्स सरकारी को भी हर्ट करना ही है। मेरे पार्टी एनपीएफ नागा पीपल्स फ्रंट है और मणिपुर में बीजेपी के साथ अलायंस में है और सरकार में भी पार्टिसिपेशन है। ये इतना छोटा वाला व्हाट यू कॉल लैंड स्टेट है, छोटा लैंड में कितना डिवाइड करेगा, ये बहुत अच्छा नहीं है, तो इसलिए ये छोड़ना ही है। आप कह रहे हैं कि डिवाइडेड हो चुका है मणिपुर। गृहमंत्री ने संसद में जवाब देते हुए कहा कि सरकार नहीं चाहती है कि डेमोग्राफी में कोई बदलाव हो। से मतलब लोकल सिचुएशन में तो ग्राउंड वर्क में तो देखने में तो ऐसे हो चुका है, डिवीजन बहुत हो चुका है। ये डिवीजन तो ऐसे ही रखने से तो क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर दिस टू कम्युनिटीज टू कम टुगेदर। बहुत शुक्रिया मुझे वक्त देने के लिए और मुझसे बात करने के लिए, बहुत शुक्रिया। या थैंक यू सो मच। माय हिंदी इज वेरी पुअर बट आई ट्राई टू एक्सप्रेस एज मच। सहयोगी प्रवीण दीक्षित के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज दिल्ली। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।